देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को मारने पर हमारी भारतीय फौज के मेजर और सिपाहियों के सैनिकों के साथ जिस तरह से वहां धारा 302 के अंतर्गत और धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, ये शर्मनाक घटना है। इससे पूरी लोकतंत्र का सिर झुक गया है और ये घटना ये बताती है कि भारत में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज जब फौजियों का सम्मान ही जिस देश में सुरक्षित नहीं है, उसमें आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा, आज ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग आज हमारे साथ उप जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन देंगे, जिस ज्ञापन के द्वारा ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा और इस ज्ञापन के द्वारा हम सब प्रबुद्ध नागरिक प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएं। अगर फौजियों पर इस तरह से पत्थरबाजी होती रही और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगा, ये देश भी समाप्त हो जाएगा। हम उपजिलाधिकारी मोदनगर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन का विषय है जो हमारे एक मेजर पर और सिपाहियों पर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने अपनी सुरक्षा में फायरिंग की जिसमें हमारे सैनिकों के ऊपर धारा 302 और धारा 307 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम उसकी निंदा करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं उस FIR को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा हम प्रबुद्ध नागरिक एक बड़ा आंदोलन इस देश में करने के लिए विवश होंगे। क्योंकि यदि सैनिक भी अपनी सुरक्षा में फायरिंग नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा नहीं करेगा, अपनी गाड़ियों की सुरक्षा नहीं करेगा, तो वहाँ पर वो सैनिक करेंगे क्या? किस लिए लगा रखे वहाँ पर सैनिक? सैनिकों का यही तो काम है अपनी सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, इन आतंकवादियों को मारना और इन पत्थरबाजों को सबक सिखाना। अगर सैनिक ये भी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम इसकी निंदा करते हैं। यदि भविष्य में भी इस तरह की FIR होती है, हम पूरे देश में प्रबुद्ध नागरिक, संत, सिपाही, पूर्व सैनिक मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश करेंगे। कभी भी इस तरह की FIR दर्ज सैनिकों के खिलाफ ना की जाए।